दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए और आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों अगर आपके बाल भी बहुत ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, बाल बहुत ज़्यादा थिन हैं, पतले हैं, तो एक बहुत ही अच्छा ऑयल आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ जिसको आप रेगुलर इस्तेमाल करिए। इससे आपके बालों की मोटाई भी बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी, बालों की अच्छी ग्रोथ भी होगी और साथ ही आप सफ़ेद बालों की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एक कढ़ाई में नारियल का तेल ले लेना है। कढ़ाई आप चाहे तो लोहे की ले सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉर्मल कढ़ाई ले सकते हैं। दोस्तों इसमें अब आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो आप ध्यान से देखिए कि मैं कौन सी चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको इसमें जो ऐड करनी है वो है नीम की पत्तियों का पाउडर। जो कड़वी वाली नीम होती है हमें उसका इस्तेमाल करना है। नीम क्या करता है, आपके स्कैल्प इन्फेक्शंस को दूर करता है, आपके सर में इचिंग की प्रॉब्लम रहती है, डैंड्रफ की समस्या है उसको दूर करता है, साथ ही ये आपके बालों का झड़ना भी रोकता है। नीम के इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और बाल काले भी होते हैं। तो एक चम्मच मैंने इसमें नीम पाउडर ऐड कर दिया है। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें ऐड करनी है वो है करी पत्ता। करी पत्ता यानी कि जो मीठा नीम होता है, करी पत्ता आपके बालों को झड़ने से रोकता है, आपको सफ़ेद बालों की समस्या से छुटकारा मिलता है। तो एक चम्मच आपको इसमें करी पत्ता पाउडर ऐड कर देना है। अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ते हैं तो आप उन्हें भी मिला सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको इसमें ऐड करनी है वो है मेथी पाउडर। तो मेथी के दानों को मैंने घर पर ही पीस लिया है और उसका पाउडर आपको इसमें मिला देना है। हम सभी जानते हैं कि मेथी बालों की लंबाई बढ़ाती है, बालों का झड़ना रोकती है और सफ़ेद बालों को काला भी बनाती है। आखिरी चीज़ जो आपको इसमें मिलानी है दोस्तों वो है भृगराज पाउडर। भृगराज के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि बालों का झड़ना रोकती है, साथ ही आपको सफ़ेद बालों से छुटकारा दिलाती है। तो भृगराज पाउडर आप इसमें ज़रूर ऐड करें, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलेगा। तो एक चम्मच हम इसमें भृगराज पाउडर ऐड कर देंगे। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल धीमी आंच पर तेल को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। तेल को आप अच्छे से गर्म कर ले, इसको आपको जलाना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आप इसे बिल्कुल धीमी आंच पर गर्म कर ले। तो आप देख सकते हैं कि तेल अच्छे से मेरा गर्म हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस तेल को आप पूरी रात के लिए ढक करके छोड़ दें, जिससे कि जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो अच्छे तरीके से तेल में घुल मिल जाएं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने तेल को पूरी रात के लिए छोड़ दिया था और अब इसका जो कलर है वो कितना अच्छा काला आ चुका है। अब आप इसको छान करके एक कांच की शीशी में स्टोर करके रख लें। जब भी आपको सर धोना हो उससे एक रात पहले बालों में इसकी अच्छे तरीके से मसाज कर लें और अगले दिन सुबह बालों को धो लें। हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, आपको बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा तेल है, मैं खुद इसे बना करके इस्तेमाल करती हूँ। तीसरा टिप है आपकी हेल्थ के लिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण, बहुत ज़्यादा थकान के कारण हम रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से अगला दिन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में बीतता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी आपको बता रही हूँ, जिससे ना सिर्फ आपको अच्छी नींद आती है बल्कि ये आपके डाइजेशन को अच्छा करती है, आपके बीपी को कंट्रोल करती है, शुगर पेशेंट्स, थायराइड पेशेंट्स सबके लिए बहुत अच्छी है। साथ ही एंटी एजिंग होती है जो कि आपकी स्किन को ग्लो करती है, आपकी स्किन को टाइट करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पका हुआ केला ले लेना है। केले को आप अच्छे से धो लें और इसको इस तरह से छोटे छोटे पतले पीसेस में काट लें। अब आपको एक बर्तन में 1.5 ग्लास पानी ले लेना है और पानी में आप ये कटे हुए केले के पीसेस डाल दें। केला डालने के बाद में आपको इसमें इतनी छोटी सी डंडी दालचीनी की ऐड कर देनी है और दालचीनी ऐड करने के बाद में आपको इसे अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। तब तक आप इसे बॉईल करें जब तक कि केले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और पानी घट करके आधी मात्रा में रह जाए। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमारी केले की चाय बन करके तैयार हो जाएगी। चाहे तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। इस चाय को आपको लेना कैसे है दोस्तों, अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो आप रात में सोने से पहले इस चाय को पिए, इससे आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी नींद आएगी, साथ ही आपका स्ट्रेस भी दूर होगा और आप अगले दिन बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे। रात को अगर आप इसे लेते हैं तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपका पेट अच्छे से साफ होगा और आपका स्ट्रेस भी दूर होगा। जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं वो सुबह सुबह खाली पेट इसे लें और इसे लेने के बाद में 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये आपके फैट को कम करने का काम करती है। हाई बीपी वाले पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं, ये बीपी को कंट्रोल करती है,
शुगर लेवल को बैलेंस करती है, थायराइड पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं। ये आपके पाचन को बेहतर बनाती है, जिन लोगों को जोड़ों में हड्डियों में दर्द रहता है, जॉइंट पेन रहता है, वो भी इसे ले सकते हैं। आपको शरीर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। आपकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए ये चाय बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बच्चों को भी आप इसे दे सकते हैं, बड़ों को भी आप इसे आराम से दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं और अपने मोटापे को कम करने के लिए कई तरीके अपना चुके हैं लेकिन फिर भी आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है, तो आज की रेमेडी को जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जो कि आपके बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में मदद करेगी। अगर आप इसे सही तरीके से 20 दिन तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है वो है साबुत धनिया, यानी ड्राई कोरिएंडर। सूखा धनिया आपके बढ़ते वजन को तेजी से कंट्रोल करता है। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके वजन को तेजी से घटाते हैं, आपके शरीर की जमा चर्बी को कम करते हैं, साथ ही आपके शरीर की थकान और कमजोरी को भी दूर करता है, साथ ही आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। धनिया आपके फैट को तेजी से बर्न करता है। तो यहाँ पर आपको 50 ग्राम ही सूखा धनिया लेना है। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको लेनी है, सौंफ यानी फेनिल सीड्स। सौंफ हमारे वजन को तेजी से कम करने में बहुत हेल्प करती है। सौंफ में कैल्शियम, आयरन, सोडियम और पोटेशियम पाया जाता है जो कि आपके वेट लॉस को भी मदद करता है। तो यहाँ पर आपको सौंफ लगभग 50 ग्राम लेनी है। तो सौंफ और धनिया की जो मात्रा है वो बराबर रहनी चाहिए। तीसरी चीज जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है मिश्री। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको धागे वाली साबुत मिश्री ही लेनी है। मिश्री आपके वजन को तेजी से कम करने में मदद करती है। ये आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करती है, साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाती है। तो यहाँ पर आपको लगभग 50 ग्राम ही मिश्री का इस्तेमाल करना है। अब इन तीनों चीजों को ग्राइंडर में डाल करके आपको इसे अच्छे तरीके से पीस लेना है और एक बारीक चूर्ण जैसा तैयार करना है। इन तीनों चीजों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक बारीक पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अब इसे आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कब करना है और कितनी मात्रा में इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपको इस पाउडर का एक चम्मच लेना है और सुबह सुबह खाली पेट आपको इसे लेना है और इसके साथ में आपको आधा ग्लास हल्का गर्म पानी पीना है। एक बार आपको इसे सुबह सुबह लेना है बिल्कुल खाली पेट और दूसरी बार इसे आपको खाना खाने से एक घंटा पहले लेना है। तो इस तरीके से आपको दिन में दो बार इस पाउडर को एक एक चम्मच ले लेना है। इस तरह से अगर आप 20 दिनों तक लगातार इसे लेते हैं तो ये आपके शरीर की चर्बी को तेजी से पिघलाने में मदद करता है, आपके बड़े हुए फैट को कम करता है। एक से दो हफ्ते के इस्तेमाल में ही आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ये रेमेडी इतनी ज्यादा असरदार है कि केवल 20 दिनों में ही आपके शरीर की चर्बी को मक्खन की तरह पिघला देगी। तो दोस्तों, आज की जो तीनों टिप्स मैंने आपको बताई, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।